कोरोना को लेकर सरकार सतर्क, पीएम मोदी ने शुरू किया एक और महाअभियान, तीसरी लहर से लड़ेंगे 1,00,000 वॉरियर्स। फिर से बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, मध्य प्रदेश के भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के आवास के बाहर किया प्रदर्शन। दिल्ली में अनलॉक के दौरान कोविड नियमों के उल्लंघन पर हाईकोर्ट सख्त, कहा इससे संक्रमण की तीसरी लहर को मिलेगा बढ़ावा। गुजरात की साबरमती नदी में पाया गया कोरोना वायरस, जांच में संक्रमित पाए गए कई सैंपल, शोधकर्ता हुए चिंतित। और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश जारी, बद्रीनाथ नेशनल हाईवे हुआ ठप, भारी बारिश से हुआ भूस्खलन। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 26 राज्यों के 111 ट्रेनिंग सेंटर से कोविड 19 हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए विशेष रूप से तैयार प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस प्रोग्राम के तहत देश भर के 1,00,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स को कौशल से लैस किया जाएगा और नई चीजें सिखाई जाएंगी। बुधवार को प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से इस बारे में जानकारी दी गई थी। कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से कहा कि हर सावधानी के साथ आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए हमें देश की तैयारियों को और बढ़ाना होगा। इसी लक्ष्य के साथ आज देश में करीब 1,00,000 फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स तैयार करने का महाअभियान शुरू हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि ये कोर्स 2 से 3 महीने में ही पूरा हो जाएगा, इसलिए ये लोग तुरंत काम के लिए उपलब्ध भी हो जाएंगे। क्रैश कोर्स डिजाइन किया है, आज 6 नए कस्टमाइज कोर्स लॉन्च किए जा रहे हैं। नर्सिंग से जुड़ा सामान्य काम हो, होम केयर हो, क्रिटिकल केयर में मदद हो, सैंपल कलेक्शन हो, मेडिकल टेक्नीशियन हो, नए नए उपकरणों की ट्रेनिंग हो, इसके लिए युवाओं को तैयार किया जा रहा है। इसमें नए युवाओं की स्किलिंग भी होगी और जो पहले से इस प्रकार से काम में ट्रेंड हो चुके हैं उनकी अपस्किलिंग भी होगी। इस अभियान से कोविड से लड़ रही हमारी हेल्थ सेक्टर की फ्रंटलाइन फोर्स को नई ऊर्जा भी मिलेगी और हमारे युवाओं रोजगार के नए अवसर के लिए उनके लिए सुविधा बनेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को गुवाहाटी में डीआरडीओ के कोविड केयर सेंटर का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा भी मौजूद रहे। डीआरडीओ की तरफ से बनाए गए इस कोविड अस्पताल को सरूसजाई स्टेडियम में बनाया गया है। असम में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 3,477 नए मामले सामने आए हैं और 41 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही पिछले 24 घंटे में 4,949 लोग ठीक भी हुए। राज्य में एक्टिव केस की संख्या 36,793 है। उधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 21 जून से प्रतिदिन 6,00,000 लोगों और जुलाई में रोजाना 12,00,000 लोगों को टीका लगाया जाएगा। हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारी इस बात की जानकारी हर एक व्यक्ति को दें और हर व्यक्ति का टीकाकरण सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी देते हुए कहा कि संगठन का प्रत्येक कार्यकर्ता यह सुनिश्चित करे कि हर व्यक्ति को टीका लग जाए। पूरा देश और पूरी दुनिया
इस महामारी के कारण काफी त्रस्त रही है, अभी भी कई राज्यों में और दुनिया के तमाम देशों में इस महामारी के कारण व्यापक क्षति हुई है। पूरे देश के अंदर कोरोना के खिलाफ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जीवन भी और जीविका को बचाने के लिए भी पूरी मजबूती के साथ संघर्ष किया जा रहा है और उसके बहुत अपेक्षित परिणाम भी सामने आ रहे हैं। जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खोया है या परिवार के कमाऊ सदस्य को खोया है, उन बच्चों के बारे में सरकार को कोई एक योजना चलानी चाहिए। ये है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने देश के अंदर से राहत देने का कार्य रहा हो, अपना योग्य मार्गदर्शन देने का कार्य हो, या फिर पहले फेज में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा के बाद दूसरी हर गरीब के लिए, जरूरतमंद के लिए खाद्यान्न देने के लिए घोषणा की, और आज उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोग हर महीने निःशुल्क खाद्य कर रहे हैं। बच्चों के लिए जिनके माता पिता या लीगल गार्जियन की दुखद मौत इस कोरोना महामारी के कारण हुई है, उन सबके प्रति भी अपनी संवेदना और अपनी सहानुभूति व्यक्त करते हुए केंद्र और राज्य सरकार ने पहले से ही अपनी घोषणाएं की हैं। गोरखपुर जनपद में 6 ऐसे बच्चे मिले हैं जिनका दोनों, यानी कुछ के बच्चों की ऐसी स्थिति थी, मैं आज उन परिवारों से मिला हूं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर राहुल गांधी ने ट्वीट करके सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, मोदी सरकार के विकास का ये हाल है कि अगर किसी दिन पेट्रोल डीजल के दाम ना बढ़े तो ज्यादा बड़ी खबर बन जाती है। गौरतलब है कि देश में पेट्रोल डीजल के दाम में उछाल का दौर जारी है। आज ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने फिर ईंधन तेल के दाम में इजाफा किया। पेट्रोल के दामों में 28 से 30 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दामों में 26 से 27 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। देश के कई जिलों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार हो गई है। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में भारी बारिश के चलते मुश्किल हालात बनने का दौर शुरू हो चुका है। चमोली जिले के गुलाबकोठी और कोड़िया के बीच बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो चुका है। आपको बता दें कि भारी बारिश के चलते हुए भूस्खलन की घटना के कारण इस समय हाईवे ठप हो गया है। यह भी खबर है कि चमोली जिले में लगातार बारिश हो रही है। उधर मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को 3 जिलों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया जा चुका है। मौसम विभाग ने नैनीताल, चंपावत और पिथौरागढ़ में आज यानी शुक्रवार को बेहद भारी बारिश की संभावना जताते हुए चमोली, बागेश्वर, उधम सिंह नगर जिलों में भारी बारिश के आसार होने की बात कही थी। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया था। एएनआई ने अपनी जानकारी में ये बताया है कि चमोली में बद्रीनाथ हाईवे बंद हो चुका है और वहां मलबा हटाए जाने की कवायद की जा रही है। गौरतलब है कि इससे पहले मई के आखिरी हफ्ते में भी बद्रीनाथ और ऋषिकेश हाईवे ब्लॉक हो गया था। वहीं पिछले दिनों ही भूस्खलन के चलते गंगोत्री के लिए जाने वाला हाईवे भी ठप हुआ था। यह भी अहम बात है कि चार धाम यात्रा के तहत केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री तीर्थ स्थलों को घरेलू जिलों के लोगों के लिए खोलने का ऐलान भी हाल ही में राज्य सरकार ने किया था। इधर मौसम विभाग ने लगातार अलर्ट वाले इलाकों में बारिश के हालात के मद्देनजर सतर्क रहने की हिदायतें जारी की हैं।
यूपी के मुरादाबाद के बिलारी में नगर में गुरुवार की दोपहर के वक्त अचानक हुई तेज बरसात की वजह से जगह जगह जलभराव हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। इसके साथ ही महिलाएं और बच्चे परेशान दिखाई दिए। गुरुवार को दोपहर के वक्त में अचानक बरसात शुरू हो गई, आसमान में काली घटाएं छा गई। करीब 20 मिनट तक बरसात होती रही, इससे नगर की सड़कें जलमग्न हो गई। राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। महिलाएं और बच्चे पानी से गुजरते दिखाई दिए। इसके अलावा सरकारी कार्यालयों में भी पानी भरा हुआ दिखाई दिया। बिलारी के सर्राफा बाजार, ओरिएंटल बैंक, होली चौक, नई सड़क के अलावा कोतवाली व ब्लॉक परिसर में भी पानी भर गया है। तो पानी भरा पड़ा है, तो क्या दिक्कत होती है? यही बात के वजह से खतरा भी हो सकता है जान को। तो कितना पानी भर रहा है? वहीं गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने गोवा क्रांति दिवस पर पणजी में शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। है एक क्रांति दिन बोल के अभी तक मनाया जाता है। 1947 में भारत देश स्वतंत्र हुआ तो 1946 में फर्स्ट टाइम जब तक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यानी डॉक्टर मिनीजीस के साथ गोवा में आए, तभी उन्होंने पहले दिन यानी मड़गांव के अभी जो लोहिया मैदान बोल के जाना जाता है वहां से पहली बार जय हिंद का नारा लगाया। और उन्होंने जो गोवा के आज़ादी के लिए जो स्पीच देना चाहा वो मैदान जो लोहिया मैदान था, और तभी से जय हिंद का नारा और आज़ादी का नारा, आज़ादी की क्रांति गोवा के सभी स्वतंत्र सैनिकों ने एक ऊर्जा दी, और तभी से क्रांति लेके सभी स्वतंत्र सेनानी यानी गोवा के आज़ादी के लिए इकट्ठा हुए। जब पहली बार गोवा में इतने सारे बड़ी मात्रा से इकट्ठा हुए स्वतंत्र सेनानी इकट्ठा हुए जो 18 जून को हुए, इसीलिए तभी से लेके आज तक ये क्रांति दिन मनाया जाता है। इस बार का अमृत महोत्सव क्रांति दिन था, लेकिन कोविड के वास्ते हम बड़ा क्रांति दिन नहीं। कांग्रेस महासचिव अजय माकन ने कहा कि सचिन पायलट बहुत ही वरिष्ठ नेता और कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं। ये बेबुनियादी बात है कि वो किसी नेता से मिलने का समय चाहें और समय मिल नहीं पाए। प्रियंका गांधी, वेणुगोपाल और हम सब की सचिन पायलट से लगातार बात हो रही है। कि सचिन पायलट बहुत सीनियर लीडर हैं और कांग्रेस के एक तरीके से एसेट हैं, और बल्कि मैं तो कहूँगा कांग्रेस के स्टार हैं और स्टार प्रचारक हैं। तो ऐसे एसेट और स्टार प्रचारक का ये बिल्कुल गलत और बेबुनियादी बात है कि वो समय चाहें किसी भी लीडर से और उनको मिल नहीं पाए, ये संभव ही नहीं है। और दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रियंका जी 10 दिन से दिल्ली में ही नहीं है, तो जब वो प्रियंका जी 10 दिन से दिल्ली में ही नहीं है तो फिर कैसे मिलने का कौन समय सबको, और ये सर्वविदित है, ऐसा भी नहीं कि कोई छुपी हुई बात है। दूसरा, प्रियंका जी की उनसे बात हो रही है, हमारी भी, वेणुगोपाल जी की भी, सबकी सचिन पायलट जी से बात हुई है। तो जब मेरी, वेणुगोपाल जी की, प्रियंका जी की, सभी की लगातार सचिन जी से बात हो रही है और कई बार हो रही है, तो ये कोई, ये बिल्कुल बेबुनियादी बात है। और सचिन पायलट जी टाइम मांगे और नहीं मिले तो ये तो संभव ही नहीं है। पश्चिम बंगाल में 2015 में कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को जिस शख्स ने थप्पड़ मारा था उसकी मौत हो गई है। अभिषेक बनर्जी को कभी थप्पड़ जड़ने वाले बीजेपी से जुड़े देवाशीष आचार्य की गुरुवार को रहस्यमय ढंग से मौत पर बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने प्रतिक्रिया दी। काल बोली तो काल भी एक मर्डर हुआ, पॉलिटिकल मर्डर ही बोलेंगे, क्योंकि अभिषेक बनर्जी को जो थप्पड़ मारी थी 2015 साल में वो काल मर्डर हुआ। ये भी एक बहुत बड़ी जुगसाजिश है, इसका सीबीआई होना चाहिए। तो ममता बनर्जी का एक झूठी बात बोलने आती है, वो हर टाइम झूठी बात बोल के साच करती है, झूठी झूठी को बोलने से साच करती है। पश्चिम बंगाल पे वायलेंस और टेररिज्म इतना बढ़ गया, जब आप वहाँ पे नहीं रहेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन ममता बनर्जी कभी साच को साच नहीं कहते, झूठ को झूठ नहीं कहते हैं। हमारा राज्यपाल जो आए हैं हम उनको स्वागत करते हैं, क्योंकि राज्यपाल ही एक पिता जैसे सबको पश्चिम बंगाल को अच्छे करके रख रहे हैं। पश्चिम बंगाल को बहुत केयरफुली उन्होंने देख रहे हैं, नहीं तो दूसरा कोई होता तो पश्चिम बंगाल अभी इतना वायलेंस होता
जात पात का राजनीति इतना चल रहा है पश्चिम बंगाल पे, पूरा कश्मीर बन जाता सिर्फ राज्यपाल के लिए, कश्मीर नहीं। देखिए पश्चिम बंगाल और भारत में ममता बनर्जी बोलते हैं भाई पश्चिम बंगाल हमारा सबसे अच्छे वैक्सीन दिया है, लेकिन कभी ये सोचा है जो पोलियो का जो टीका चल रही थी तो 40 साल लग गए थे। और भारत में नरेंद्र मोदी जी ने एक बात बोली थी, हमको याद है, मैं उस टाइम विरोध पक्ष में था 2016 में, जो हमारा मेरा भारत महान आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। तो आज बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। ये दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 0114545445 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। गाजियाबाद में बुजुर्गों के साथ हुई मारपीट विवाद को लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर, ट्विटर इंडिया के मनीष माहेश्वरी समेत अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। इस पर बीजेपी नेता किरण सोमैया ने अपनी प्रतिक्रिया दी। रेगुलेटरी सिस्टम, प्रिंट मीडिया हो, विजुअल मीडिया हो या डिजिटल मीडिया, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, ये डिजिटल मीडिया है। तो इस सब में अगर प्रिंट और विजुअल में रेगुलेटरी सिस्टम है, सेल्फ रेगुलेटरी कंसेप्ट है, तो डिजिटल मीडिया ने भी ये कंसेप्ट एडॉप्ट करना ही पड़ेगा। आज एक कंपनी सब उनके हाथ में है, लेकिन कल 10 कंपनियां आ जाएगी। किसी के व्यक्तिगत कैरेक्टर कुछ भी मॉर्फ करके आप फोटो डाल दोगे, फैमिली की फैमिली बर्बाद हो जाएंगे। इसके लिए ट्विटर ने ये व्यक्तिगत न समझकर रेगुलेटरी कंसेप्ट की भावना से ये करना पड़ेगा। आप देखो, कोई न्यूज पेपर में न्यूज छपकर आती है गलत, तो डिफेमेशन का मामला दोनों पर जाता है, पब्लिशर के ऊपर भी जाता है और जो देने वाला है। तो इसी प्रकार से ट्विटर ने यह गाइडलाइन एक्सेप्ट करनी ही चाहिए। जब से कोविड स्टार्ट हुआ है, मुंबई महापालिका कोविड करप्शन, रेमडेसिविर खरीदने के लिए हुआ, आईसीयू के बेड 2-2 लाख में बेचे गए। अब मुंबई महापालिका ने 1 करोड़ कोविड वैक्सीन का ग्लोबल टेंडर निकाला, पहले दिन से घोटाला था, 11 लोगों ने बीड दिए, 11 में से एक भी बीड क्वालिफाई नहीं हुआ। सबके सब फर्जी कंपनियां है, फर्जी लेटर एड पे कंपनियां बनाई गई है। और मुंबई के महापौर रोज बयान दे रही थी, हम ये वैक्सीन का कॉन्ट्रैक्ट देंगे देंगे देंगे। हमने ऑब्जेक्शन लेके घोटाला उजागर किया। एक कंपनी तो ऐसे कि 467 पेजेस के बीड डॉक्यूमेंट दिए, उसमें से 2 पेज। एक और छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में रुक रहे हैं, आप देखते रहिए एएनबी न्यूज।
देश दे नाल ही पूरे पंजाब विच भी कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम पूरे जोरा ते है। जिथे बुजुर्ग लाइना चला के वैक्सीन लगवा रहे ने ते उथे ही यूथ भी वध चढ़ के वैक्सीन लगवाउण लई अगे आ रहे ने। जे असी हुण तक दी गल करिए ता पंजाब विच 50 लाख तो वध लोकां नूं वैक्सीन लग चुकी है ते इह पूरी तरह सेफ है। जिस हिसाब नाल कोविड नूं आपां कोविड-19 दे वायरस नूं आपां स्टडी कीता है उहदे विच वैक्सीनेशन एक बहुत ही सक्सेसफुल ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी है, सारिआं नूं ही लगवानी चाहीदी है। जिथे एक पासे पूरे देश दे नाल ही पंजाब विच भी वैक्सीन लग रही है ते उथे ही दूजे पासे कुछ लोग वैक्सीन नूं लैके अफवाह उड़ा रहे ने। पर इन्ना अफवाह ते डॉक्टरां दे नाल ही आम लोकां ने भी वैक्सीन लगवा के ब्रेक लगाई है। अफवाह या अफवाहां तों बचो, ऐदां दी कोई गल नहीं है। अगे वध के इंजेक्शन लगवाना चाहिए, पर हुण देख लो तुसीं लाइनां च लोकी लगे होए कि इंजेक्शन लगवा दो, पर ओह पागल थोड़ी है जिहड़े लाइनां च लगे होए है इंजेक्शन लगवाउण। इसे तरह वैक्सीन लगवा चुकी सुषमा मोदगिल नाम दी एक महिला ने वैक्सीन नू पूरी तरह सेफ दसिया है ते उन्होंने अपील करदे होए कहा कि सानू सारयां नू वैक्सीन लगवाउणी चाहीदी है क्योंकि इस नाल साडा साडी फैमिली दा ते दूजियां दा बचाव हुंदा है। मेरी लोगों से एक ही अपील है कि वैक्सीन जो है वो एक हमारा अधिकार है और इस अधिकार से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, ये हमें जरूर लगवानी चाहिए क्योंकि इसी से हमारे जो बचाव है और बचाव में ही दूसरों का बचाव है। फर्स्टली हम जब खुद का बचाव करते हैं तभी हम अपनी फैमिली का बचाव करते हैं और दूसरों के साथ जब हम मिलते हैं तो शायद इसमें दूसरे पर्सन को भी हम सेफ रखते हैं। जिक्र योग है कि वैक्सीन की प्रमाणिकता नु सिद्ध करने लई खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके ने ते उन्होंने वैक्सीन नु पूरी तरह सेफ दसिया है अते उन्होंने सारयां नु वैक्सीन लगवाउण लई अपील भी कीती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा देते हैं जो कि महाराष्ट्र के मुंबई से आ रही है। प्रॉपर्टी टैक्सेस को लेकर ये बड़ी जानकारी, मुंबई मेयर किशोरी पेडनेकर का बयान सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर एनबी न्यूज पर, प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर मुंबई की जो मेयर है उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि अभी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा। बड़ी राहत यहां मेयर ने दी है, कोरोना संकट खत्म होने तक टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा, यानी कि प्रॉपर्टी टैक्स अब नहीं बढ़ेगा मुंबई में। जब तक कि कोरोना का संकट खत्म नहीं हो जाता तब तक किसी तरह का कोई भी टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा। कोरोना की वजह से सभी को आर्थिक नुकसान हुआ है तो ऐसे में प्रॉपर्टी टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ एक राहत भरी खबर मुंबई कर के लिए है जो इस समय आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स से जुड़ी बड़ी खबर इस समय सामने निकल कर आ रही है। इस टैक्स को लेकर मुंबई के मेयर किशोरी पेडनेकर ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कोविड की वजह से सभी की जो आर्थिक स्थिति है वो डगमगा गई है, ऐसे में अभी किसी तरह से कोई भी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा। राहत दी गई है यहाँ पर लोगों को, कोरोना संकट खत्म होने तक प्रॉपर्टी टैक्स में कोई भी बढ़ावा नहीं होगा, किसी तरह से इस टैक्स को नहीं बढ़ाया जाएगा। कोरोना की वजह से सभी को आर्थिक नुकसान हुआ है, ऐसे में और ज्यादा बोझ नहीं डाला जा रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स अभी नहीं बढ़ाया जाएगा, जितना था उतना ही रहेगा। ये राहत यहाँ मुंबई करके लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र के मुंबई से। चलिए अब खबरों का रुख कर लेते हैं। एम्स के नेतृत्व में देश के 5 अस्पतालों द्वारा किए जा रहे सीरो सर्वे की अंतरिम रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट में एम्स ने तीसरी लहर में सबसे ज्यादा बच्चों के संक्रमण की चपेट में आने की आशंकाओं को खारिज कर दिया है। इस पर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। मई के महीने में और अप्रैल के महीने में जिस तरीके से सेकेंड वेव आई, मैं नहीं समझता कि WHO ने कभी भी हमें बताया था कि सेकेंड वेव के अंदर बहुत सारे जवान लोग जो हैं संक्रमण में भी आएंगे और उनकी मृत्यु भी होगी। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को सेकेंड वेव की तैयारी करनी चाहिए थी। अगर तैयारी होती, ऑक्सीजन होता तो इस तरीके का हाल नहीं होता। मैं दोबारा से केंद्र सरकार से विनती करूंगा कि तीसरी वेव के लिए केंद्र सरकार हर वो काम करे जो अन्य देशों के अंदर किया जाता है। नए अस्पताल बनाने के लिए कोशिश की जाए, टेम्परेरी अस्पताल बनाने की कोशिश की जाए, ऑक्सीजन की कमी ना हो ये कोशिश की जाए, जो सबसे ज़रूरी दवाइयाँ होती हैं उनकी जिस तरीके से कमी पड़ गई
आज भी ब्लैक फंगस की जो दवाई है उसकी कमी है, और ब्लैक फंगस की दवाई की कमी के कारण लोग मर रहे हैं। ये देखिए, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, केंद्र सरकार का ये मानना है कि उनका दुरुपयोग जो है भाजपा अपने तरीके से करे, जो राइट विंग है वो अपने तरीके से करे, मगर कोई और जो है उसका फ़ायदा ना उठा पाए। तो ये सिर्फ बाह मरोड़ने की एक एक्सरसाइज है। भाजपा ये बात जानती है कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग अगर किसी ने किया है, इसकी प्रोपेगेंडा फैलाने का काम किसी ने किया है, फेक न्यूज़ फैलाने का काम आज भी अगर कोई कर रहा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं चैलेंज देके कह रहा हूँ, कोई भी सर्वे करा लीजिए, भाजपा के लोग ही सबसे ज़्यादा जो है फेक न्यूज़ फैला रहे हैं और इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। ये जो दबाव सरकार बना रही है, ये सिर्फ इसलिए दबाव बना रही है कि भाजपा और भाजपा के समर्थित लोगों के ऊपर कार्रवाइयाँ ना हों, बाकी लोगों के ऊपर कार्रवाइयाँ हों। पुलिस तो पहले ही उनकी मदद करती थी, अब वे चाहते हैं कि जो प्राइवेट सोशल मीडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये भी भाजपा की ही मदद करें और अपनी न्यूट्रलिटी छोड़कर जो है सीधा सीधा बायस का जो है जो इनका प्रोग्राम था उसको आगे बढ़ाएं। देखिए, केंद्र सरकार हर तरीके से देश की जनता को लूटने का काम कर रही है, चाहे वो वैक्सीनेशन के अंदर पैसे लेने की बात हो, चाहे वो टैक्स बढ़ने की बात हो, और चाहे वो पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दाम हो। कोई चीज़, कोई दाल, कोई खाने पीने का तेल ऐसा नहीं है जिसकी कीमत जो है लगभग दुगनी नहीं हो गई है। और हैरानी की बात यह है कि वो केंद्र सरकार जो 75 पैसे अगर पेट्रोल पे बढ़ जाती थी तो ये लोग इतना हंगामा करते थे, आज पेट्रोल डीजल 100 के पार पहुंच रहा है और जो है ये लोग बिल्कुल चुप हैं, और इनकी पार्टी के अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही है, इनके पार्टी कैडर की तरफ से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। वो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, और जबकि कच्चे तेल का तेल की जो कीमत है वो बहुत कम है, उसके बावजूद जो है सरकार जो है इतनी मुनाफाखोरी जो है इसके ऊपर कर रही है, ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश की सरकार के बारे में, एक और छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 0114545445 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी अभी से तैयार हो गई है। समाजवादी पार्टी काफी एक्टिव नजर आ रही है। इस बीच सपा ने एक कैंपेन ने हिंदुत्व की पिच पर नया दाव रखा है। समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज पर कैंपेन सॉन्ग जारी किया गया है। इस गाने में सपा प्रमुख अखिलेश यादव को मुरलीधर कृष्ण बताया गया है। इस पर सपा प्रवक्ता सुनील यादव ने प्रतिक्रिया दी है। भगवान राम और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। दोनों भगवान भगवान विष्णु के अवतार हैं। लेकिन सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के नाम पर राजनीति करती है। हम लोग तो आस्था रखते हैं, कणकण में राम है, रोम रोम में राम है, लेकिन भगवान राम के नाम पर भी भ्रष्टाचार कर लेने की हिम्मत भारतीय जनता पार्टी के लोग कहां से लाते हैं? आपने कोरोना महामारी में बेईमानी कर ली उत्तर प्रदेश में, तो हम लोगों ने मान लिया कि चलिए आपके खून में है भ्रष्टाचार, खून में बेईमानी है, लेकिन आप भगवान राम के नाम पर जमीन पे भ्रष्टाचार और ट्रस्ट सफाई नहीं दे रहा, सफाई भारतीय जनता पार्टी दे रही है। तो क्या जो पैसे का लेन देन, जो बढ़ा हुआ पैसा है वो भारतीय जनता पार्टी ने रखा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी सफाई दे रही है? तो आस्था के नाम पर भ्रष्टाचार करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी और इकलौती पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कई मुद्दों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने शिक्षा को लेकर कहा कि सरकारी स्कूल खोल देने चाहिए, कई लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, वो बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे। उन्होंने सीएम ममता और रामविलास पासवान को लेकर भी बयान दिया। मान के साथ ही दगाबाजी हुई है। रामविलास पासवान ने अपने जीवन काल में, उनको एहसास हो गया है कि वो ज्यादा दिन चलने वाले नहीं है, और उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपना ताज उठा करके रख दिया अपने बेटे चिराग के सर पर। उस समय किसी ने विरोध नहीं किया। और यही तरीका है जो रीजनल पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे बिहार की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, तमिलनाडु की हो या बंगाल की हो, यही बना हुआ है। उसमें अब आपको क्या ऐतराज हो रहा है भाई? जिनके पास स्मार्टफोन है, कई इलाके ऐसे हैं जहां कनेक्शन नहीं है, तो आप जो है जो बेलॉफ लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन है, जिसके पास और संसाधन है, उसके जरिए पढ़ रहे हैं, वो गड़बड़ी एक पैदा हो रहा है। इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए कि शिक्षा को किस ढंग से हम शुरू करें। अब क्लास में जो पढ़ने जाते हैं, स्कूल में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, उसका मुकाबला ऑनलाइन तो नहीं कर सकता है, क्योंकि क्लास में सिर्फ आप पढ़ते ही नहीं हैं, आपका समाजीकरण भी होता है, आपके दायरे का विस्तार होता है, दोस्तों मित्रों के साथ खेलते हैं, कूदते हैं, एक दूसरे तरह का अनुभव आपको होता है, वो अनुभव आगे आप जब बड़े होते हैं, नागरिक बनते हैं, उसमें काम आता है। इसलिए सरकार को कोई रास्ता निकालना चाहिए कि कम से कम जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बच्चे हैं, उनको पीछे न कर रहा है। और एकदम दिखाई दे रहा है कि बंगाल में जो हार हुई है, उस हार को ये लोग पचा नहीं पाए। अब वहाँ एक जोकर जो है गवर्नर है धनकर, वो चुनाव के बाद जो है लगातार भिड़ा हुआ है, हिंसा हिंसा, पांच पांच जजों ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस पर सुनवाई की है। कोई अखबारों में खबर नहीं आ रही है कि इस तरह की हिंसा जो है हुई है या जारी है। सरकार ने पकड़ा और उसमें दोनों तरफ के लोग मारे गए थे। हाँ, ये जरूर है कि मैंने टीएमसी समर्थक कम लोग मरे थे, विरोधी लोग ज्यादा मरे थे, लेकिन दोनों तरफ से हुआ था। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, सरकार बनने के बाद सरकार ने उस पर कोरोना की वजह से करीब दो महीने तक बंद रहने के बाद दिल्ली एम्स की ओपीडी सेवा शुक्रवार से शुरू हो रही है। दिल्ली एम्स की ओपीडी सेवा को चरणवार तरीके से खोला जा रहा है। अभी कम संख्या में ही मरीज देखे जाएंगे। ऑनलाइन या टेलीफोन से अपॉइंटमेंट लेकर पहुंचने वाले मरीज ही ओपीडी में देखे जाएंगे। दिल्ली एम्स में पहले से ही अपॉइंटमेंट नहीं होने पर मरीजों को बगैर इलाज के लौटना पड़ सकता है। एम्स प्रशासन ने भी रूटीन सर्जरी दोबारा शुरू करने का आदेश जारी कर दिया है, इसलिए ओपीडी के माध्यम से मरीज अस्पताल में भर्ती भी किए जाएंगे।
जाएंगे। हालांकि अभी मरीजों की संख्या कम ही रहेगी। गौरतलब है कि कोरोना की दूसरी लहर के कारण दिल्ली एम्स में 19 अप्रैल को ओपीडी सेवा बंद कर दी गई थी। इस वजह से दूसरी बीमारियों से पीड़ित मरीजों को इलाज के लिए काफी परेशान होना पड़ रहा था। करीब 2 महीने बाद एम्स की ओपीडी सेवा को आज से शुरू कर दिया गया है। हालांकि अभी भी सावधानी बरती जा रही है। रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। राजस्थान ते पाकिस्तान दी हद ते वसिया जिला फाजिलका पंजाब दे उना जिल्यां विच शामिल है जिथे कोरोना महामारी नूं लै के शासन प्रशासन शुरू तो ही अलर्ट मोड ते रहा है। इत्थे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे हुक्मां अनुसार सेहत विभाग वल्लों सैंपलिंग दा कम जोरां ते है अते जेड़े लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे ने उन्हां दी रिकवरी लई वख-वख टीमां जंगी पद्धर ते दिन रात कम ते लगियां होईयां ने। जे गल रिकवरी दी करिए तां हुण तक जिले विच 15,000 तों वध लोग ठीक हो के अपने अपने घरां नूं जा चुके ने ते 3,000 दे करीब लोग होम आइसोलेशन दे विच अपना इलाज करवा रहे ने। सेहत विभाग दीआं टीमां वी समय सिर उन्हां दी सार लैंदी रहिंदी है। इस तो इलावा जे गल सैंपलिंग दी करिए तां हुण तक फाजिलका जिले विच 2 लाख दे करीब सैंपल लए जा चुके ने ते 10,000 तों वध लोकां दा वैक्सीनेशन हो चुका है। कोरोना के संबंध में असी पिछले कुछ दिनों तो जी टेस्टिंग है काफ़ी वधा दिती है। सो असी इन होर अपग्रेड करांगे। पिंडां दे विच भी असी टेस्टिंग कर रहे हैं तो उस नाल साडा जिहड़ा मेन जिहड़ा यतन है कि जिन्नी जल्दी डिटेक्शन हो सके उन्ना वधिया तरीके नाल असी ट्रीटमेंट मुहैया करवा सकते हैं। दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने कोरोना महामारी की शुरुआत तो ही पूरे पंजाब विच वख-वख टीमां दा गठन कीता सी जो शहर तो लैके पिंडा तक सैंपलिंग दे कम विच रुझियां होईयां ने। इस तो इलावा पंजाब सरकार ने पिंडा लई कोरोना मुक्त मुहिम भी शुरू कीती है। कोरोना पिंड मुक्त अभियान ते उस च भी इन्हां ने जिहड़े साडे करीब 100 दे करीब हैल्थ वैलनेस सेंटर ने पूरे जिले विच ओह सारे 100 दे 100 हैल्थ 94 है आई एम नॉट श्योर ते उन्हां सारीआं जगहां ते कोविड टेस्टिंग स्टार्ट कर दित्ती गई है। जिक्रयोग है कि पंजाब दी कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने शुरू तो ही इस वायरस दे प्रकोप नु समझिया ते इस नु ज्यादा फैलन नहीं दिता क्योंकि सरकार अपना फर्ज समझदी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुख करते हैं कुछ और खबरों का। डॉक्टरों को हिंसा से बचाने के लिए केंद्रीय कानून की मांग को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का शुक्रवार यानी कि आज देशव्यापी विरोध प्रदर्शन है। आईएमए के 35,000 से अधिक डॉक्टर इस विरोध प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं। दिल्ली एम्स के बाहर भी डॉक्टर्स ने आज प्रदर्शन किया। कोरोना के कारण कुछ ही डॉक्टर प्रदर्शन में हिस्सा लेते नजर आए। आईएमए का कहना है कि वर्तमान में 21 राज्यों के अपने स्थानीय कानून हैं, लेकिन हमें डॉक्टरों को हिंसा से बचाने के लिए एक मजबूत केंद्रीय कानून की आवश्यकता है। डॉक्टर्स अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। 2020 में 750 डॉक्टर्स की मौत हो गई थी और कोरोना की दूसरी लहर में करीब 700 और डॉक्टर्स की कोरोना के कारण मौत हो गई। What our major demands are is a Central Protection Act, which ensures that the people who come to the hospitals and beat up these saviors who are working tirelessly to save the lives of our patients in a very merciless manner. And this violence often go unchecked because of a lot of factors where there is no specific provision in any act to ensure that they be arrested in a time-bound manner. And often, if the person enjoys political patronage, they often get to get away scot-free. We have seen that in certain instances. And they get booked under under bailable offenses. बड़े दुर्भाग्य की बात है, अभी तक सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। और अगर आप देखेंगे, ये आज का नहीं है, ये कितने सालों से चल रहा है। 10-12 साल से ये डिमांड रही है कि हॉस्पिटल को सेफ जोन डिक्लेयर किया जाए। अब मैं मानता हूं हमारी जनसंख्या बहुत है, पर अगर आप यूएसए में देखें, मैं अपने कई साथियों से बात करता हूं,
जब पेशेंट को रिसेप्शन पे लाया जाता है और उसको अटेंड किया जाता है, अगर हॉस्टाइल बिहेवियर है तो एक सिक्योरिटी पर्सन साथ आता है। अगर हम असली मापदंडों पे चलें तो हम 20 से 22 मरीजों से ज्यादा नहीं देखने चाहिए। आप अंदर देखिए, बाहर देखिए, ओपीडी की लिमिट ही नहीं है। हम ये नहीं कहते कि हम अपनी सेवा से भाग रहे हैं, हम ये सोचते हैं जब रेजिडेंसी कर रहे हैं कि हम काम सीख। यूपी के शामली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर एक ट्रक ने 4 मासूम बच्चों को कुचल दिया। हादसे में एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं घायलों को CHC में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने मृतक का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं मृतक के परिजनों ने ट्रक चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। क्या हुआ मामला, ये कैसे घायल हुए आप? बस के पीछे आ रहे थे हम, डीच में टक्कर मार रहे। आप क्या चला रहे थे? रेड़ा चला रहे थे। कितने लोग घायल हुए इसमें? 3-4 हुए। 4 घायल हुए, एक मर गया, 4 तीन हुए। किसकी मौत हुई है, क्या नाम था जिसकी मौत हुई? सोयब। कहाँ के निवासी? किराने के। सब किराने के रहने वाले हो? ये मामला ऐसा हुआ, ये बच्चे जैसे जा रहे थे किराने की तरफ आ रहे थे जी, और ये ट्रक जो कांजे की तरफ से आ रहा था जो बड़ी तेजी में, तो ये न जाने किस तरीके से जो अवैध तरीके चला रहा था, शायद जो है ना इसे कट मार के जो है बच्चा ट्रक के नीचे आ गया। और इस बीच दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है ANB न्यूज पर। इस समय आप दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर देख रहे हैं। देवांगना नताशा और आसिफ की जमानत का ये मामला है। SC ने जमानत याचिका पर दखल देने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने इन्हें जमानत देती थी, जिसके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद तीनों को जमानत मिली थी और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका पर दखल देने से इनकार कर दिया है। दिल्ली से ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद तीनों को जमानत मिल गई थी। दिल्ली दंगे में साजिश रचने का इन तीनों पर आरोप है और हाईकोर्ट ने इन तीनों को जमानत दे दी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले में दखलअंदाजी करने से इनकार कर दिया है। SC ने जमानत याचिका पर दखल देने से साफ इनकार कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने रुख किया था सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन दिल्ली पुलिस को यहां सिर्फ निराशा ही हाथ लगी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद तीनों को जमानत मिल गई थी और इसके बाद दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए हस्तक्षेप की याचिका डाली थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है किसी तरह का दखल देने से। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस को यहां एक झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली पुलिस ने रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद तीनों को जमानत दे दी गई थी। आपको बता दें, दिल्ली दंगे के दौरान साजिश रचने का इन तीनों पर आरोप है, गंभीर आरोप है। देवांगना नताशा और आसिफ की जमानत का ये मामला है। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से इन्हें जमानत दे दी गई है। SC ने जमानत याचिका पर अब दखल देने से इनकार कर दिया है, तो दिल्ली पुलिस को बड़ा झटका यहां लगा है। और इसी के साथ खबर दोपहर में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।